गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे वेजिटेबल्स मैगी, बहुत टेस्टी बहुत टेस्टी, जिसको देखकर आपके मुँह में पानी आ जाएगा। तो ये हमारे पास पानी बॉयल हो रहा है, ये हमारे पास कैप्सिकम कैरेट, इसको डाल दिया मैंने बॉयल होते पानी में, थोड़ा सा नमक डाल दिया 2 पिंच। इसके बाद इसको अच्छे से बॉयल होने देंगे कम से कम 1 से 1.5 मिनट तक। 1 से 1.5 मिनट तक जैसे बॉयल होता है ऐड करेंगे इसमें मैगी, मैगी हमारी जो है 2 मिनट मैगी। फ्रेंड्स सबको फॉलो करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए, तो ये है मैगी, मैगी मैंने कट किया, ये निकाला और निकालने के बाद मैगी डाल दिया। यहाँ पर कैप्सिकम और कैरेट बॉयल हो रही है, ये देखिए अच्छे से इसको पलटा देंगे, ये बॉयल होने लगेगी। ये देखिए जैसे इससे हल्की सी बॉयल होती है, ये देखिए बॉयल हो गई, उसको अच्छे से मिला देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है फ्रेंड्स। आप चाहें तो जैसे मैगी बनती है वैसे बना लें, लेकिन अगर कुछ हटके खाना है नॉर्मल तो हम लोग खाते ही खाते हैं ऐसे। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया मैगी मसाला, जो उसके अंदर जो निकलता है मैगी मसाला, ये देखिए मैगी शेशे को ऐड कर दिया। इसके बाद हम डालेंगे अपना तीखा चटपटा थोड़ा सा मैगी मसाला, ये देखिए तो निकालते हैं ये वाला मैगी मसाला डालते हैं, इससे थोड़ा सा चटपटा सा टेस्ट आ जाता है जब छोटी मोटी शाम की भूख लगी हो। तो फ्रेंड्स इस टाइप से ज़रूर खाइए, ज़रूर बनिए, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि मेरी तो फेवरेट है और मुझे बहुत पसंद है। ये देखिए इसके बाद मीडियम फ्लेम में रखेंगे, बस 2 मिनट से 3 मिनट में बन जाती है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी तैयार होकर रखी रहती है गाजर और शिमला। मटर यहाँ पर नहीं है तो उसकी कमी शिमला पूरी कर रहा है यहाँ पर, ये देखिए। तो ये देखिए पानी काफ़ी मेरा सोख कर गया। अब यहाँ पर डाल देंगे छोटा सा टमाटर, टमाटर मेरा अच्छा कलर का रेड हुआ है, ये देखिए। तो अब ये कलर में और 4 चांद लग गए, आप खुद देख पा रहे होंगे। आपको खुद देखने के बाद मैगी खाने का मन कर जाएगा कि मैं कितनी जल्दी खा लूँ। इस समय मेरी वही कंडीशन है कि बस जल्दी से बन जाए और मैं जल्दी से खा लूँ। ये देखिए तो मैगी मेरी लगभग बन ही गई है। अब ऐड कर देंगे इसमें ग्रीन कोरिएंडर थोड़ी सी, ये देखिए टमाटर मेरा गल गया है, क्योंकि पके हुए टमाटर ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगता है। अब ऐड करेंगे इसमें ग्रीन कोरिएंडर ऐड कर देंगे, ये देखिए हल्का हल्का सा, मैंने गैस को ऑफ कर दिया। यहाँ पर ऐड कर दिया कोरिएंडर, कोरिएंडर ऐड करने के बाद फ्रेंड्स आप भी बना लीजिए जल्दी से और झटपट खाइए, छोटी मोटी भूख लगी हुई हो। और एक प्रकार से मोर मैगी बनाते हैं, वो मैं अगली वीडियो किसी में दिखाऊंगी, फिर जब मैं बनाऊँगी तो ज़रूर मैं वीडियो डालूंगी। तो फ्रेंड्स मेरी मैगी रेडी है और मैं खाने के लिए बेताब हो रही हूँ, ये देखिए। बस जल्दी से सर्व कर लेती, बाउल में कंट्रोल नहीं हो रहा तो मैंने इसको बाउल में सर्व कर लिया। ये देखिए अभी धुआं निकल रहा, मैगी तो गर्मा गर्म ही खाओ, अगर मैगी है तो ठंडी मत करें। अब जैसे ही आप पैन से ट्रांसफ़र करें फ्रेंड्स, आप तुरंत खाना चालू कर दें बिना किसी इंतज़ार के। तो मैगी मेरी रेडी है और मैं खाने चल रही हूँ, आप भी फ्रेंड्स आ जाइए खाइए हमारे साथ। मैगी बहुत टेस्टी बहुत यम्मी बनी हुई थी फ्रेंड्स, इस प्रकार मैगी बनाइए और बने रहिए मेरे चैनल में। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर।